अस्सलाम वालेकुम जी, आप एग्रीकल्चर में आप दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। मार्केट में खादें इस वक्त जो है वो उतार चढ़ाव का शिकार हैं। कभी खादों की कीमतें ऊपर चली जाती हैं जबकि कभी जो है वो इसकी कीमतों के अंदर कमी आ जाती है। आज खादों की कीमतों के अंदर कमी देखी गई है और जो दोस्त भी इस वक्त जो है वो खादें खरीदना चाहते हैं, जिन दोस्तों ने खादों की ज़रूरत है आने वाले दिनों के अंदर जो नई से नई फसल जो है वो भी लगानी है, तो अगर आपको खादों की ज़रूरत है तो आप खादें जो है वो लेकर रख सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर इसके मज़ीद जो रेट्स है वो ऊपर जाने के चांसेस हैं, क्योंकि सर्दियां आ जानी है, फिर उसके गैस की कीमतों के अंदर भी इजाफा हो जाएगा। उसके साथ साथ वैसे भी चूँकि खादों की ज़रूरत होगी और किसान को जब भी खादों वगैरह या किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है उसकी जो कीमतें होती हैं उसके अंदर इजाफा कर दिया जाता है। अगर बात की जाए, अगर आज DAP की बात की जाए तो 12,000 से लेकर 12,100 रुपये तक 50 KG का जो बैग है वो मंडियों के अंदर फरोख्त हो रहा है। इसके बाद दोस्तों सोना यूरिया की बात की जाए तो वो कम मिल रही है, लेकिन सरसब्ज जो यूरिया है वो 3,900 रुपये तक 50 KG का जो बैग है वो फरोख्त हो रहा है। इसके बाद नाइट्रोफास की बात की जाए तो 6,900 से लेकर 7,000 रुपये के दरमियान जो है वो 50 KG का बैग फरोख्त हो रहा है। ये रेट आपको मियाँ चनू शहर से दिया गया है। आपके इलाके के अंदर खादों की क्या कीमतें हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।